हेलो दोस्तों, स्वागत आप लोगों का आपके चैनल ऑल गाइडेंस में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बताने जा रहा हूँ कि कूलर के कनेक्शन लाइक मोटर और वाटर पंप के कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये वाटर पंप है। ठीक है गाइस, इसकी वायर ये गई हुई है हमारी, ये मेन मोटर है। ठीक है, इसकी वायर, ये दोनों वायर हमारी ये गई हुई है बाहर, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ठीक है गाइस, तेरी हमारी दोनों वायर, ये मेन मोटर का हो गया और ये हमारा सिंपल जो वाटर पंप है कूलर का उसका हो गया। ठीक है जी, और ये हमारी मेन लाइन से जो सप्लाई आएगी, ठीक है, मेन लाइन से जो सप्लाई आएगी उसका है, मेन लाइन से जो हम बाहर फेज में लगाएंगे। तो अब दिखाता हूँ कि आप लोग कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मेन लाइन की दो तारें हैं, फेज और न्यूट्रल हो गया। ठीक है जी, जो बाहर आया हुआ है ये हमारी दोनों मोटरों के हो गए। अब इनके कनेक्शन कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी दोस्तों, देखिए ये मैं रेगुलेटर भी लेके आया था जो मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो कैसे कनेक्ट करेंगे इसमें, उसके कनेक्शन कैसे करेंगे वो भी बताऊँगा आप लोगों को। देखते रहे वीडियो को लास्ट तक, सब कुछ जानने के लिए इसके कनेक्शन के बारे में। ठीक है जी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये हमारा इसका कवर है ऊपर का। ठीक है जी, यहाँ पे ये रेगुलेटर की जगह है, रेगुलेटर को, और ये इसका वाटर पंप को ऑन करने का ऑफ़ करने का बटन है। ठीक है जी, तो इसको मैं इसको कैसे फिट करता हूँ देखते रहें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको खोल के इसमें फिट करता हूँ कवर में। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे इसके पेंच को और मैं इस कवर में इसको फिट कर देता हूँ। देखते रहें कैसे करेंगे, फिर बाद में इसके कनेक्शन करेंगे। ठीक है जी, ये रहा, अगर ये ऐसे ना आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं सोच रहा था इसको पूरा कवर करने के, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इस प्रकार से फिक्स हो गया इसमें, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, देखिए ये मेन लाइन है, मेन लाइन का न्यूट्रल और फेज हो गया, ये मोटर होगी मेन और ये वाटर पंप की वायर है। इसका भी ऐसे ही फेज न्यूट्रल हो गया, इसका भी फेज न्यूट्रल हो गया। हम सबके न्यूट्रल मिला लेते हैं। पहले मैंने क्या किया, इसका जो दोनों मोटरों के तार हैं, इन दोनों के न्यूट्रल, ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल, मेन लाइन के न्यूट्रल हमने एक जगह फिक्स कर दिए। ये येल्लो वायर अगर हटा भी दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये वायर थोड़ा लंबी करने के लिए लगाया था। ठीक है जी, अब हम करते हैं वाटर पंप की वायर का फेज ही है और मेन मोटर का फेज ही है। ठीक है जी, अब इसको कैसे कनेक्ट करते हैं देखते रहें वीडियो को। हाँ जी दोस्तों, देखिए अब हम इनको कनेक्ट कैसे करते हैं। ये मैंने रेगुलेटर लगा दिया, रेगुलेटर की दो वायर्स ये हैं। ये हमने क्या किया, दोनों मोटरों का न्यूट्रल और मेन लाइन का न्यूट्रल एक जगह ज्वाइन कर लिया। अब फेज को कैसे कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फेज को मैं रेगुलेटर को देता हूँ, क्योंकि रेगुलेटर से होते हुए हमारी क्या करेगी, ये जो दूसरी रेगुलेटर की वायर है मेन मोटर के वायर को जाएगी। मेन मोटर की वायर हमारी ये है, क्योंकि ये सीरीज में लगा रहे हैं ना, सिंपल सा है। मेन मोटर ही है, मेन मोटर का न्यूट्रल हमने, मेन मोटर का न्यूट्रल और जो मेन लाइन का न्यूट्रल इकट्ठा कर दिया। ठीक है जी, और जो वाटर पंप का न्यूट्रल है ये तीनों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, और उसके बाद लाइन को हमने क्या किया, मेन लाइन को रेगुलेटर से लगा दिया और जो रेगुलेटर की दूसरी वायर है वो हमने मोटर को लगा दिया, ताकि मोटर इससे कंट्रोल हो सके। अब दूसरा आता है कि दो वायर और रहेगी हमारी सिंपल। ठीक है जी, ये हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब दो वायर रहती है, एक हमारी अंदर वाटर पंप के लिए और दूसरी जो हमारी वाटर पंप को सप्लाई देनी है, क्योंकि न्यूट्रल तो हमने कनेक्ट कर दिया। अब मेन आता है कि हम लाइन को वाटर पंप से कैसे दें, हम लाइन को देंगे स्विच को, ताकि हमारा स्विच ऑन ऑफ करने के काम आ सके। हम क्या करते हैं, स्विच का जो मेन है इसमें कनेक्ट कर देंगे, थोड़ा छोटा रह गया। ठीक है,
और ये मेन जो हमारी वाटर पंप की है जिसको सप्लाई देनी है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक मेन सप्लाई, दो हमारी अंदर जो मोटर लगी हुई है, एक वाटर पंप की और एक हमारी मेन मोटर है। मेन मोटर को हमने रेगुलेटर से कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो न्यूट्रल तीनों की एक एक वायर, हम जिसको न्यूट्रल कह सकते हैं, हम मेन लाइन के न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, जो हमने करी हुई है, एक एरी ठीक है, येल्लो वायर के थ्रू। ठीक है जी, दूसरा आता है इनकी मेन फेज को हमने वाटर पंप के फेज को देना है स्विच के थ्रू, क्योंकि हमें उसके स्विच ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इससे। दूसरा आता है, हम मेन मोटर को रेगुलेटर से कंट्रोल करना है, रेगुलेटर मैंने बता दिया कैसे लगाना है। तो रेगुलेटर की दो वायर है जो हमने फेज को दी, और फेज से जो रेगुलेटर की दूसरी वायर हमने मेन मोटर को दे दी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनको रेगुलेटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, यही है बस रेगुलेटर को और कैसे, और मैं इसको डायग्राम से अच्छे से क्लियर कर दूंगा, लास्ट तक वीडियो को मैं देखते रहना डायग्राम से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों की, ले ही ये वीडियो स्पेशल मेहनत करके बनाई जा रही है। ठीक है गाइस, तो यही कनेक्शन थे इसके। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर ब्लैक टेप इंसुलेट कर देता हूँ, इसको मेन जो भी हमारे वायर्स हैं उनको आप इंसुलेट कर देना, जैसे कोई भी जोड़ नहीं रहना, क्योंकि कूलर की बॉडी में करंट भी आ सकता है उससे। इंसुलेट आप टेप से कर सकते हो, ब्लैक टेप ले सकते हो मार्केट से। बाकी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि कैसे हमने कनेक्ट किए। ये आपको सिंपल सा है बिल्कुल कनेक्शन, दोबारा फिर बता रहा हूँ, एक बार और सुनिए। मेन सप्लाई, दो मोटरों की तारें, इनके न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। दूसरा, मेन मोटर को हमने रेगुलेटर से कंट्रोल करना है। तो मेन जो लाइन आएगी हम क्या करते हैं, एक स्विच को देते हैं, उसी के थ्रू हम रेगुलेटर को दे देते हैं, रेगुलेटर के दूसरी वायर हम दे देते हैं लोड को, मतलब मेन मोटर को। ठीक है जी, वाटर पंप को हम दे देते हैं इसके थ्रू, स्विच के थ्रू। ठीक है जी, ये स्विच है, वाटर पंप को कंट्रोल कर रहा है, ये रेगुलेटर है जो मेन मोटर को कंट्रोल कर रहा है। ये सिंपल से कनेक्शन है, किसी भी कूलर के ये कनेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू जी। दोस्तों देखिए, अब मैं कनेक्शन करके बताता हूँ। ये आपकी कूलर मेन मोटर होगी, ठीक है, ये वाटर पंप हो गया, और ये मेन सप्लाई होगी। मेन सप्लाई में आपका एक फेज होता है, मान लीजिए फेज है, और ये न्यूट्रल होता है। ठीक है जी, सेम ही हमारा मेन मोटर में, और सेम तरीके से हमारी दो वायर निकलती है वाटर पंप से। ठीक है जी, अब मेन मोटर में क्या कनेक्शन करने हैं, हमने क्या किया था वहाँ पे, सबसे पहले आपका न्यूट्रल, मेन न्यूट्रल से, ऐसे ही हमारा मेन मोटर का और वाटर पंप का न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया था। ठीक है जी, ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है जी, मेन सप्लाई के न्यूट्रल से। ठीक है, अब आती है बात हमारी फेज की। ठीक है, एक यहाँ पे स्विच था आपका, और एक आपका रेगुलेटर था। ठीक है, रेगुलेटर की दो वायर्स थी, स्विच में दो पिंस लगे हुए थे। ठीक है जी, स्विच, इस स्विच से हमने कंट्रोल करना था वाटर पंप को। ठीक है जी, और रेगुलेटर से कंट्रोल करना था हमें किसको, मोटर को। तो मोटर का जो एक वायर है हमारा मेन वायर था, हमने रेगुलेटर के लोड को दे दिया, और जो रेगुलेटर की दो वायर्स थी उसमें से एक दे दी हमने मेन लाइन को। ठीक है जी, ऐसे ही हमने क्या करना, इसी लाइन का एक पार्ट देना था हमें स्विच से। ठीक है, और स्विच का दूसरा पार्ट हमें देना था मेन वाटर पंप था जो उसकी वायर्स को। इस तरीके से सप्लाई आई, सप्लाई में न्यूट्रल फेज हुआ, न्यूट्रल हमने क्या किया, कूलर वाटर मोटर थी जो मेन, उसका न्यूट्रल, और जो हमारा वाटर पंप थी उसका न्यूट्रल, तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया। अब एक को हमने रेगुलेटर से कंट्रोल करना था, एक को हमने स्विच से कंट्रोल करना था। ठीक है जी, तो हमने मेन जो हमारी लाइन आई, लाइन का एक पार्ट गया हमारा रेगुलेटर को, और रेगुलेटर का दूसरा गया मेन मोटर को। ठीक है, जैसे रेगुलेटर का एक पार्ट गया हमारा इसी में से स्विच को, और स्विच का दूसरा पार्ट गया वाटर पंप को। ये हमारे आसान से कनेक्शन थे।
कूलर मोटर के और रेगुलेटर कनेक्शन के। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।